हेलो एवरीवन। और फाइनली कल हम रिवाइज करके अपना जो पूरा का पूरा 7 दिन हमने पढ़ा था उसको हम सबमिट कर लिया हमने। अब आते हैं आज डे 8 पर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पहले हम 100 दिन में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सुपरफिशियल एक बार देखेंगे, अगले 60 डेज में उसको रिवाइज करेंगे, फिर 30 डेज में रिवाइज करेंगे और फिर अगेन 15 दिन में रिवाइज कर रहे होंगे। मतलब तुम 4 बार रिवाइज करके जा रहे होगे अपने एग्जाम से पहले। इससे ज़्यादा ब्रॉड एक्सटेंसिव प्लान तुमको क्या चाहिए, ठीक है? तो आज तक हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप तुमने मूवी देखा होगा कल। जो भी मूवी तुम देख के आए हो, काजल जी को नाम लिख के बताना। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, चलो आज हम डे 8 की बात करें। तुमको बायोलॉजी में आज बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन का लेक्चर देना है। बायोलॉजी को कम टाइम दो बेटा, मतलब 2x की स्पीड में वीडियो लगाओ और कम चीज़ें लिखो जो आउट ऑफ NCERT है, और NCERT ही रीड कर। बायोलॉजी बहुत कम टाइम देके करना है। तो आज तुमको बायो में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन करना है। केमिस्ट्री के लिए आज से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईजी टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और थर्ड आता है हमारे पास फिजिक्स, जिसमें हमने अभी तक जो चैप्टर्स कर लिए यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह, इसके बाद अब हम करेंगे डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स पे हम करेंगे। ईजीएस्ट यूनिट, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मार्क्स उससे लाना बहुत कंपेरेटिवली आसान है, रेदर देन इलेक्ट्रोस्टैट और इन चैप्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स। तो हम सबसे पहले करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। आई रिपीट यू अगेन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। डोंट वरी, यू विल गेट इनफ टाइम फॉर योर मॉडर्न फिजिक्स, डोंट वरी, ठीक है? अब हम आते हैं नॉन प्रोडक्टिव हैक पर। तो आई होप कल आप सब ने खुद को बहुत 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 सारा आई लव यू बोला होगा। अब आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, एंड दिस इज समथिंग जो आपको लगेगा कि थोड़ा सा इलॉजिकल है, लेकिन इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपने व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप चैट खोलो, वहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन आता है, उस ग्रुप पे जाओ, अपने आप को अपना नंबर ऐड करो। सिर्फ उस ग्रुप में तुम अकेले होगे और उस ग्रुप में तुम क्या करोगे, उस ग्रुप को NEET 2025 बैच करके लिख दो, मतलब जो भी तुम्हारा कॉलेज या NEET 2025 का बैच लिख दो। और हर रोज़ उस बैच के साथ, मतलब उस फ्यूचर सेल्फ के साथ तुम्हें कॉन्वर्सेशन करना है जो उस व्हाट्सएप में है, या तो यूनिवर्स लिख दो, जिसको भी तुम ऐसा अपना फ्यूचर सेल्फ मानते हो उसको लिखो। और हर एक घंटा पढ़ने के बाद तुम उनको बताओगे, तो उस व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेजो, वीडियो मैसेज भेजो, नो प्रॉब्लम, उनको बताओगे कि यू नो व्हाट, हमने 1 घंटे पढ़ाई कर लिया यार, 2 घंटे हो चुके, 10 घंटे हो चुके, और एट द एंड ऑफ दे आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की, 6 घंटे पढ़ाई किया। ये करना तुमको, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल शिफ्ट योर माइंड सेट ड्रास्टिकली, एंड आई होप इससे तुम्हें मज़ा भी बहुत आएगा, बिकॉज तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा होगा, मतलब यूनिवर्स खुद होंगे जो इसका भी तुम नाम रखोगे, जो तुम्हें सुन रहा होगा, जो तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जो तुम पे गुस्सा नहीं करेगा, और तुम अपने हर 1 घंटे का स्टेटस, हर 1 घंटे का अपडेट उन्हें दे सकते हो। इट विल लिटरली हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू लाइक क्रेजी। करके देखो ये, और मुझे बताना कि कैसा लगा इसको करने के बाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।